हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड्स अप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हम सब की फेवरेट यानी गुलाब जामुन। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। 700 ग्राम चीनी, 250 ग्राम मावा जो आपको मिठाई की दुकान में आराम से मिल जाएगा, 100 ग्राम पनीर, 4 से 5 इलायची के जो दाने हैं और छिलके हैं वो मैंने अलग करके रखे हैं, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, ना कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच घी और 4 से 5 टेबल चम्मच हम यूज़ करेंगे मैदा। तो सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन पे अच्छे से साइड में घी ग्रीस किया है, वो इसलिए चाशनी बनाते वक्त चीनी की चाशनी जो होती है वो ऊपर की तरफ जब सूख जाती है तो वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। तो अगर वो क्रिस्टलाइज चीनी हमारे चाशनी में चली जाए तो हमारी चाशनी बर्बाद हो सकती है। तो यहाँ पे जितना मैंने चीनी लिया है, जितना कप चीनी लिया है उसका 1/2 कप मैंने यहाँ पे पानी डाला है। पानी डालने के बाद मैंने गैस को कर दिया है ऑन और अब चीनी को घुलने का इंतज़ार करेंगे। चीनी में काफ़ी गंदगी दिख रही है तो मैं इसमें 4 से 5 चम्मच दूध के डाल दूँगी। तो चाशनी में चीनी ज़्यादा होने के कारण दूध डालते ही दूध फट जाएगा और जैसे ही वो फटेगा वो अपने साथ चीनी में जितनी गंदगी है लेके वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये देखिए, तो आप इसे किसी छन्नी की मदद से हटा के फेंक दीजिए और हमारा चाशनी जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, चाशनी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। चाशनी की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है कि कोई तार जैसा ना हो, यानी बिल्कुल ज़्यादा चिपचिप नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ छुए तो थोड़ा चिपचिपाहट होना चाहिए, जैसे तेल होता है वैसे ही, क्योंकि अगर चाशनी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो हमारे गुलाब जामुन चाशनी को पियेंगे नहीं, और ज़्यादा पतला हो जाएगा तो गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो कंसिस्टेंसी ऐसी रखिए कि तेल जैसी हो, छूने से ही चिपचिप करे लेकिन बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ी ना हो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची के छिलके और गैस को बंद कर दूंगी। ऐसे ही चाशनी को ढक के हम साइड में रख देंगे। अब हम ले लेंगे एक बड़ा सा परात जिसमें हम डालेंगे मावा और इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे। इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इसे अच्छे से मसल मसल के मैश कीजिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से कम 5 से 7 मिनट इसे अच्छे से आपको मैश करना है रगड़ रगड़ के। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी पनीर। पनीर को भी हम सेम तरीके से अच्छे से मैश कर लेंगे। पनीर को अच्छे से मसलिएगा। मैश करने के लिए आप अपने हथेली की जो हील है इससे रगड़ रगड़ के इसे मैश कीजिए। ये देखिए पनीर कैसा चिकना मैश हो चुका है। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, अपना मावा और जो पनीर था उन दोनों को अच्छे से हम मसल मसल कर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इलायची के दाने और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे मैदा और जो हमारा बेकिंग पाउडर था उसे, और इन सारी चीज़ों को मिला के हम अच्छा से एक डो तैयार करेंगे। मैं 4 से 5 टेबल चम्मच मैदा यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच घी और बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे हम। अगर आपका मैदा कम हुआ तो शायद आपका जो गुलाब जामुन है वो तेल में फट सकता है, ज़्यादा हुआ तो चाशनी नहीं पिएगा, तो बहुत ही ध्यान में रख के मैदा ऐड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक चिकना डो तैयार हो गया है।
अब हम अपने हाथों में घी लगा के छोटा सा पोर्शन लेके डो में से बॉल्स तैयार कर लेंगे गुलाब जामुन के। छोटे या बड़े आपको जैसे साइज़ के पसंद हैं आप ऐसे बॉल्स तैयार कर लीजिए। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए कि बॉल्स में ज़रा सा भी क्रैक ना हो, अगर क्रैक होगा तो वो तेल में फट सकता है। एकदम स्मूथ बॉल आपको तैयार करना है, देखिए बिल्कुल इस तरह से, कोई क्रैक नहीं है इसमें। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल का जो टेम्परेचर है यानी ताप है उससे हाई पे बिल्कुल मत रखिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, लो मीडियम होना चाहिए। तो लो मीडियम पे मैंने 5-10 मिनट के लिए तेल को बिठा के रखा था। ये देखिए आप, डो का टुकड़ा जैसे मैंने इसमें डाला तो उसमें से बबल आना स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब हमारा तेल बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। तेल बिल्कुल तैयार है, तो अब मैं इसमें एक एक करके अपने गुलाब जामुन के बॉल डाल दूंगी। एक बार में आप ज़्यादा गुलाब जामुन मत डालिए, क्योंकि तेल जो है गुलाब जामुन के डालते ही टेम्परेचर फिर से ड्रॉप होने लगता है, तो आप ज़्यादा ओवर क्राउड कर देंगे गुलाब जामुन को उसमें, तो चांसेस ये हैं कि आप इसे हिला नहीं पाएंगे अच्छे से और हमारे गुलाब जामुन टूट जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लगभग 8 गुलाब जामुन तेल में छोड़ दिए हैं। तेल हमारा कम नहीं होना चाहिए, भरा होना चाहिए, ऐसा हो कि गुलाब जामुन सारे उसमें डूबे रहें। ध्यान दीजिए कि मैं तेल में बिल्कुल गुलाब जामुन को चम्मच से छू नहीं रही हूँ, सिर्फ तेल को घुमा रही हूँ। इससे क्या होगा, गुलाब जामुन घूम घूम कर ब्राउन होना स्टार्ट होगा और इवनली चारों तरफ से पकेगा, क्योंकि अगर मैंने चम्मच को गुलाब जामुन से टच कर दिया तो गुलाब जामुन टूट जाएंगे। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल इस तरह से। गुलाब जामुन पकते ही फूल कर ऊपर की तरफ फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमारा जो गुलाब जामुन है अब धीरे धीरे अपना कलर लेना शुरू कर चुका है। मैं चम्मच से इसे थोड़ा थोड़ा उलट पलट दे रही हूँ ताकि ये हर तरफ से चारों तरफ से इवनली गोल्डन सा कलर आ जाए इसमें। हमारे गुलाब जामुन में अच्छा सा कलर आ गया है, तो अब इसे मैं गरम गरम ही चाशनी में डाल दूंगी। एक चीज़ याद रखिए, चाशनी ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही खौलता हुआ होना चाहिए। चाशनी आपकी ऐसी हो जो जिसे कहते हैं हम ल्यूक वार्म, मतलब थोड़ा सा गरम हो, उष्ण गरम हो। और इसमें हम डाल देंगे हमारे गरम गरम तले हुए गुलाब जामुन और हम इसे अच्छे से ऐसे चम्मच से डुबो डुबो देंगे। ये देखिए गुलाब जामुन इसमें तैर रहे हैं, जैसे ही ये चाशनी पी लेगा ये पूरा नीचे बैठ जाएगा। तो कम से कम इसे ऐसे ही चाशनी को पीने में आधा एक घंटा लग जाएगा। इसी तरह से मैंने बाकी के गुलाब जामुन भी तैयार कर लिए हैं। और एक चीज़ देखिए, इसमें मैं चम्मच नहीं लगा रही, इसे मैं बस कढ़ाई को ऐसे घुमा रही हूँ गोल गोल। इससे क्या हो रहा है ना, गुलाब जामुन उलट पलट के खुद ही ब्राउन हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर चम्मच लगा तो गुलाब जामुन टूट सकते हैं। धीरे धीरे इसमें कलर भी आने लगा है, तो तब आप स्टेज पे थोड़ा थोड़ा करके इसे उलट पलट दीजिए ताकि ये चारों तरफ से इवनली एक ही जैसा कलर आ जाए। ये गए हमारे गुलाब जामुन चाशनी में डुबकी लगाने, देखिए। ये जो गुलाब जामुन है मेरा, 1 घंटा 45 मिनट तक मैंने इसे रस में ही डुबो कर रखा था। ये देखिए इसके बाद कितने अच्छी तरीके से इसने रस पिया हुआ है। आपको अगर रस वाले गुलाब जामुन पसंद है तो आप इसे ऐसे ही खाइए। मैं आपको सूखे वाले गुलाब जामुन भी बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मावा बचा के रखा था, मावा का जो पाउडर है इसमें मैंने गुलाब जामुन को इस तरह से डस्ट कर लिया। थोड़ा सा डस्ट करने के बाद इसे हम ऐसे ही प्लेट में निकाल लेंगे।
इस तरह से एक एक करके सारे गुलाब जामुन मैंने मावा में डस्ट करके प्लेट में निकाल के रखा है। मेरी मानिए तो आप इसे फ्रिज में मत रखिएगा, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद जो ऊपर मावा लगा होता है वो थोड़ा कड़क हो जाता है, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। आप इसे ऐसे ही नॉर्मल में रखिए, इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और अपनी एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मिलती हूँ टिल देन अगले रेसिपी के साथ, और मुझे सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, वो फ्री रहता है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे अप.foods पे। थैंक यू, बाय।